अच्छा हाँ, कांग्रेस के प्रदेश सचिव होने के नाते ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर मैं पार्टी के हाईकमान अपने राज्य में भी और केंद्र में भी मेरी बात चल रही है और वहाँ से बात होने के बाद के पूरी होते ही मेरी इस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण नदियों को बचाने का उन्होंने अपना मुख्य मुद्दा बना रखा है, इस पर उनको जो भी जरूरी कार्यवाही हो उसको करनी चाहिए, वो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो या उसमें कोई भी उस गिरफ्त में आ रहा हो या वो DFO हो। अब मैंने देखी है वो वीडियो जिसमें वो बोल रहा है DFO कि मंत्री का फ़ोन आया और जो उनके साथ लगी रहती है एक महिला जिला अध्यक्ष है उन्होंने फ़ोन कराया और उसी के फादर वहाँ पे ठेकेदार हैं पिता, तो ये गंभीर तो है बहुत ही। पर इस पर सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि हम कांग्रेसी या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर रोड पे आए सड़क पर आए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए अगर वो वाकई में जनहित में कुछ करना चाहते हैं। जहाँ एक किसान आदमी अपने खेत खलिहानों को बचाने के अगर किसी पेड़ से कोई दिक्कत आ रही हो एक पेड़ को नहीं काट पाता, वहाँ कई सौ में सैकड़ों में पेड़ कट रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है जिसको जो कमाल हो गया वो माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गृह क्षेत्र है और इतना बड़ा विषय हो गया सैकड़ों में पेड़ कट गए, एक वीडियो सोशल मीडिया से लगाकर टीवी तक में चल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर भी चुप है। मैं यही कहूँगा इसमें या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई सह है और या फिर कहीं ना कहीं मंत्री के दबाव में है।